अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखो, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन विद रियल पार्ट नेगेटिव, आपको ये पूछा गया है। देखो इसके 10 रूट आएंगे, ये तो हमें पता है, उन 10 में से कितने ऐसे रूट है जिनका रियल पार्ट नेगेटिव है। अब वो प्योरली रियल भी हो सकते हैं नेगेटिव रियल पार्ट के साथ, या कॉम्प्लेक्स रूट भी हो सकते हैं जिनका रियल पार्ट नेगेटिव हो। तो जरा यहां देखो, इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो ये बनेगा जेड की पावर 5 माइनस 32 इंटू जेड की पावर 5 प्लस 31 इक्वल्स टू 0। तो जेड के पावर 5 की दो वैल्यूज आ रही है, एक तो 32 और एक आ रही है माइनस 31। देखो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, जेड के पावर 5 इक्वल्स टू 32, इसको हम बोल सकते हैं जेड इक्वल्स टू 2 इंटू 1 के पावर 1/5, यानी ऐसा बोल दे 2 इंटू 1 के पावर 1/5, यानी e रेस टू द पावर आयटा 2 के पाए बाय 5, जबकि k की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 0 से लेके 4 तक। तो इससे z क्या क्या आ रहा है आपके पास वो लिख लीजिए, 2 आ रहा है, एक तो एक आ जाएगा 2 e रेस टू द पावर आयटा जब आप k को 1 डालेंगे, यानी 2 पाए बाय 5, फिर आएगा 2 इंटू e रेस टू द पावर आयटा 4 पाए बाय 5, ऐसे ही 6 पाए बाय 5 आ जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा 8 पाए बाय 5। अब इसमें से आपको देखना है, देखो रियल पार्ट हमेशा कॉस थीटा बनता है, कॉस थीटा नेगेटिव होगा सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो वो सारे एंगल्स जो कि पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच लाए कर रहे हैं, वो सारे आपके आंसर होंगे। ये तो प्योरली रियल है तो इसका रियल पार्ट नेगेटिव नहीं है क्योंकि 2 है, पॉजिटिव है। ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये एंगल 2 पाई बाई 5, तो इसका भी रियल पार्ट पॉजिटिव। 4 पाई बाई 5 सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये इसका रियल पार्ट नेगेटिव, और 6 पाई बाई 5 का ये फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अभी तक आपको कितने नंबर्स मिले, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मिले जो जिनका रियल पार्ट नेगेटिव है, बट 5 अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर यहां से भी आएंगे, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं कैसे। z की पावर 5 इक्वल्स टू, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं 31 इंटू माइनस 1 को e रेस टू द पावर आयटा पाई बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल। तो z आप जैसे ही कैलकुलेट करेंगे ये बन जाएगा 31 की पावर 1/5 इंटू e रेस टू द पावर आयटा पाई प्लस 2 के पाई बाय 5, बस k की वैल्यू फिर से वही 0 से लेके 0 से लेके 4 तक जाएगी। तो इसको तो अपन r बोल दे रहे हैं, बार बार लिखेंगे तो z इक्वल्स टू, जब आप 0 डालेंगे तो क्या बनेगा ये r इंटू e रेस टू द पावर आयटा पाई बाई 5, फिर आप z की जगह k की जगह 2 डालेंगे, सॉरी 1 डालेंगे, तो ये बन जाएगा 3 पाई बाई 5, फिर k की जगह 2 डालेंगे तो क्या बन जाएगा 5 पाई बाई 5 r इंटू e रेस टू द पावर आयटा पाई बोल दीजिए इसको, एंड फिर r इंटू e रेस टू द पावर आयटा 3 जैसे ही डालेंगे 7 पाई बाई 5, और लास्ट में बनेगा r इंटू e रेस टू द पावर आयटा 4 जैसे ही डालेंगे 9 पाई बाई 5। अब बस आपको इतना चेक करना है कि आयोटा के मल्टीपल में जो एंगल लिखा है वो सारे एंगल जो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में है वो सारे आंसर हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए कॉस थीटा नेगेटिव होगा। तो बस हमें ये चेक करना है कि किस किस में ये ऐसा है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये आपका पाई बाई 2 से बड़ा है, ये भी और ये भी, तो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर यहां से मिल रहे और 2 यहां से, और देखो सारे डिफरेंट है, ऐसा नहीं है कि सेम रूट आ रहे हो, तो आपको टोटल 5 कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे मिल रहे हैं जिनका रियल पार्ट क्या है, नेगेटिव। तो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। अच्छा सवाल है, इसी तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि आप आर्गन प्लेन पे प्लॉट कर दें, बट उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि केवल रियल पार्ट नेगेटिव ही पूछा गया था।